आज के वीडियो में हम बनाएंगे भेल, मैगी भेल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा तेल डालना है, एक छोटी चम्मच के करीब तेल है ये। उसमें मैंने एक पैकेट मैगी बिल्कुल क्रश करके लिया है। भून लेना है इसे हमें थोड़ा सा, ऐसे बीच बीच में चलाते हुए हल्का सा भून लेना है। जब ऐसा थोड़ा सा कलर आ जाए मैगी को, तो हम उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच आमचूर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। देखिए कलर थोड़ा चेंज हो गया है ना। मिक्स करके इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम बनाते हैं भेल की तैयारी। यहाँ पे मैंने एक पैकेट मैगी मसाला लिया हुआ है, जो मैगी के साथ आता है ना, वही उसे कट करके ले लेंगे हम। उसमें हम डालेंगे केचप, एक बड़ी चम्मच के करीब केचप डाला है यहाँ पे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसमें हम लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़े से कटे हुए टमाटर, आलू को उबाल कर उसके पीसेस काट कर लिए मैंने यहाँ पे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। ये सब आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खारे सेंग लिए हैं यहाँ पे, इसके बिना भेल में मज़ा थोड़ी आता है। और अब हमें ऐड करनी है भुनी हुई मैगी। चटपटी भेल चाहिए ना, तो थोड़ा सा नींबू का रस भी ले लेते हैं। मिक्स कर देंगे सबको अच्छे से। और अब ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता काट के डाल देंगे और ये भेल रेडी है। ये भेल उन लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी जिन्हें मैगी पसंद नहीं, जैसे कि मेरी मम्मी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी इसे फटाफट बनाइए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये भेल कैसी लगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार ज़रूर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ और मज़ेदार लेकर मिलते हैं।